खूब गाड़ी चलाई भैया, अब लग रहा है कि इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है MG की कॉमेट, छोटी सी ये गाड़ी लॉन्च हुई है और मैंने और प्रियांशु ने जम के इसको चलाई है, धूम के चलाई है। प्रियांशु एक बात बड़ी जबरदस्त कह रहे थे चलते चलते कि एक चीज होती तो मजा आ जाता, क्या 5 लाख की होती ना तो मजा आ जाता। 5 लाख की, वैसे दर्शकों आपको बता दें कि ये 8 लाख कंपनी ने इसका रेट तय किया हुआ है एक्स शोरूम प्राइस, मतलब जब आप इसे खरीदेंगे तो कुछ कुछ बढ़ ही जाएगा। देखिए गाड़ी छोटी है ना प्रियांशु, तो छोटी है लेकिन हाँ अगर आप फ्रंट में बिठाते हैं तो मेरी हाइट के यानी 6 फीट के प्लस के जो लोग हैं वो बैठ सकते हैं। हाँ। पीछे लेकिन एक साथ दो नहीं बैठे, बैठ नहीं पाएंगे। हाँ लेकिन फिर भी मतलब अगर नैनो से छोटी इसकी साइज है तो लोग ये सोचेंगे कि अंदर से भी छोटी होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए डोर इसका बहुत बड़ा है, मजेदार है, ये अच्छा लग रहा है। 2 डोर है तो बड़ा दिया हुआ है। एंट्री के लिए भाई साहब हमारे भीम का साथी घुसेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या ऐसा एंट्री में क्या कोई दिक्कत आ रही है। साथ में मैं भी बैठूंगा ना और दोनों लोग बैठ के देखेंगे कि लेग स्पेस मिल रहा है या तकलीफ हो रही है। वैसे हमने एक्सपीरियंस कर लिया है तो बताना क्या है, दिखाई देते हैं। प्रियांशु भाई एंटर करते हैं, ये चले गए हैं बंधु, ठीक है ये मैंने कर दिया बंद और मैं भी अब आ रहा हूँ अंदर। अब बताइए भाई साहब कैसा लग रहा है? बिल्कुल कंफर्टेबल है, स्पेशियस है, मेरे लिए भी एकदम कंफर्टेबल। बाहर देख के उम्मीद नहीं है कि अंदर इतनी जगह होगी लेकिन जगह है, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल देखिए एमजी ने इसमें जो एक प्रीमियम क्वालिटी है ना वो प्रियांशु मुझे लग रहा है मेंटेन करके रखी है। हाँ। नहीं, अंदर से बड़ी सुंदर सी लग रही है, जो कलर कॉम्बिनेशन देख के लगेगा कि फॉरेन बिल्ट क्वालिटी। एग्जैक्टली, डोर जो इतना प्यारा है, इस पे जो सारी जो नक्काशी आपको दिख रही है ना, जो सॉफ्टनेस है वो जबरदस्त है। अच्छा प्रियांशु, हमने जो इसके फीचर ट्राई किए हैं तमाम, खासतौर से ये स्क्रीन जो इसका 10.25 इंच का दो दो स्क्रीन दिया हुआ है वो भी जबरदस्त है ना, शानदार, बहुत शानदार। और MG की जो खासियत है इंटरनेट इनसाइड, वो जस्टिफाई करने के लिए स्क्रीन तो बनती है। की इसमें दिया है कि इसमें आपको कीलेस है, बस आप अपने पॉकेट में रखें, अंदर बैठेंगे वेलकम करेगी और उसके बाद गाड़ी रेडी हो जाएगी बिल्कुल आगे जाने के लिए। देखिए यहाँ पे नॉर्मली गाड़ियों में ये प्रियांशु, यहाँ पे हम लोग अभी तक एक्सपीरियंस रहा है कि बीच में एक ऑब्स्टेकल होता था ना, तो यहाँ से मैं यहीं से इधर आ सकता हूँ। आओ ना आप अंदर आगे बैठो तो थोड़ा सा और कुछ बताते हैं लोगों को। देखिए ये खासियत तो है इस गाड़ी की कि बहुत स्मूथली आप आगे बैठ सकते हैं। ये और दो लोग बैठे हुए हैं, मतलब मेरी भी हाइट 5-10 से बहुत कम भी नहीं है, अब इनकी तो 6+ है, फिर भी हम आराम से बैठे हुए हैं, लेग स्पेस मिला हुआ है, बैठने के लिए अच्छी खासी जगह है, पीछे भी दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे जो तमाम चीज़ें दी हुई हैं ना, उसमें जो हमें जो सबसे बेहतरीन लगा वो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। गाड़ी का कुछ भी आपको कर रहे हो ना, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी स्क्रीन के ज़रिए। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका बहुत ही शानदार है, 30+ वो है, वॉइस कमांड है इसमें, वो भी इंग्लिश में। भोजपुरियों में रहता तो मज़ा आ जाता, भोजपुरियों में होती तो ये पटना में दौड़ रही होती। अच्छा देखिए अब ये गाड़ी का ये खास बात ये है कि पावर भी इसकी कम नहीं है। मैं और प्रियांशु जब चला रहे थे तो इतनी छोटी गाड़ी 105 तक चली गई थी, तो ये बड़ी बात है। 45 PS की पावर है, 110 का टॉर्क है, जब आप चढ़ाई पे जाएंगे ना तो वो इसका मज़ा आपको समझ में आएगा। इसके अलावा प्रियांशु वो हम लोग जब पार्क कर रहे थे तो वो बताइए कि किस तरह बड़ी अच्छी इसकी खासियत मुझे लगी कि अगर आप बाहर देखेंगे गाड़ी बड़ी छोटी है, आप अंदर बैठते हैं आपको जगह है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो एक समस्या आती है मेट्रो सिटीज़ में पार्किंग, ये इतनी शानदार तरीके से आप इस गाड़ी को पार्क कर सकते हैं कि झंझट ही खत्म और बहुत आसानी से टर्न हो जा रही है ना, 4.5 mm का वो टर्निंग रेडियस है, बहुत स्मूथली, बहुत स्मूथली। हाँ तो अच्छा इसको बनाया भी गया है इसी लिहाज से, मतलब कंपनी खुद ही क्लेम कर रही है कि भाई ये शहरी मूवमेंट के लिए, मोबिलिटी के लिए ये है ये गाड़ी, मतलब आप शहर में कहीं कहीं कुछ जगहों पे जा रहे हैं और वहाँ कुछ थोड़े मोड़े काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शहरों के लिए गाड़ी बहुत शानदार है, बहुत शानदार। लेकिन फिर वही बात,
5 लाख होता ना तो मजा आ जाता। 5 लाख पे तो मामला अटका हुआ है। 5 लाख तो खैर कंपनी ने किया नहीं, बल्कि शुरू शुरू में जब रेट नहीं अनाउंस हुआ था तो लोग 10 तक भी ये अनुमान लगा रहे थे। और वाकई आपकी बात एक हद तक सही भी है, क्योंकि जब गाड़ी पहली बार कोई लेगा ना तो 8 लाख सुनेगा और इस साइज की गाड़ी, तो वो शायद कुछ और ऑप्शन पे भी सोचे कि 8 लाख क्यों। 8 लाख एक आम आदमी के लिए बड़ी बात होती है, और 8 लाख में फिर वो अपने फैमिली के हिसाब से और उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, तो एक छोटी गाड़ी पे 8 लाख रुपए लगाना एक बहुत बड़ा रिस्क है जो हर आदमी लेना थोड़ा सा हिचकेगा। लेकिन MG का देखिए ना, एक उन्होंने एक प्रीमियम क्वालिटी को मेंटेन किया है, तो उसी हिसाब से तमाम चीज़ें दी हैं। कहीं से आपको बिल्ट क्वालिटी हो या लुक हो या फीचर्स हो, उसमें तो आप नहीं काट सकते। बाकी कमियां तो कुछ ना कुछ रहती हैं, और हम लोग तो इसमें माहिर हैं निकाल के बैठे ही हैं कि क्या क्या है। एक तो आपने सबसे बड़ा निकाल लिया है कि 5 लाख होती तो मजा आ जाता। अच्छा, ये डोर जो है ना, मुझे ये लग रहा था कि बड़ा डोर है तो ये अच्छी बात है एंट्री में बहुत, लेकिन पता है जब हम इसको पार्क कर रहे थे प्रियांशु, तो आपको याद होगा कि जब यहाँ पे बिल्कुल हाँ दीवार के पास पार्क तो हो जा रही है, लेकिन जब आप निकलेंगे ना तो ये दरवाज़ा पूरा खुल नहीं पाएगा, तो वो एक समस्या है। मतलब के साथ ये इशू रहेगा पार्किंग में कि आपको दोनों तरफ की जो गाड़ियां हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। नॉर्मल गाड़ी से ज्यादा स्पेस इस गाड़ी को चाहिए, फिर ऐसे में काफी पड़ेगा। ऐसे में तो फिर वही हो गई ना कि पार्किंग छोटी जगह में हो जा रही है, लेकिन पार्किंग तो हो जाएगी, निकलने में कैसे, कुछ जादुई छड़ी घुमा के छोटा करना पड़ेगा आपके आकार को। एनीवेज, और क्या हमें लगा जो और हम बता सकते एक हैं? चीज एक जो पॉइंट है जो मुझे लगता है कि इस गाड़ी में थोड़ा सा बेहतर और किया जा सकता है, जो पीछे बैक का जो स्पेस है गाड़ी के पीछे, जिसे हम अक्सर डिक्की कहा करते हैं, वो स्पेस नहीं है। चलो ना दिखाते हैं फिर लोगों को। बिल्कुल, मुझे लगता है ये डिक्की बनी है सिर्फ इस गाड़ी के किसी एक स्टेपनी के तौर पे टायर रखने के लिए। डिक्की तो है नहीं, थोड़ा सा टूल्स तो डिक्की नहीं है ये बस एक जगह है छोटी सी। लेकिन हाँ, ये चीज है कि इसमें अगर आप चाहें स्पेस बनाना तो इसके जरिए ऐसे स्पेस बना सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब सिर्फ 2 लोगों, अगर 4 लोग आपके पास हो तो सामान रखने के लिए कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं, जगह है नहीं। एक और चीज थी ना, जब हम चला रहे थे तो हमें जहाँ ब्रेकर मिल रहा था वो झटके लग रहे थे। सस्पेंशन थोड़ा सा इस गाड़ी का मुझे लगता है कि, और उसकी एक शिकायत कई लोगों को हो सकती है। अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह तो टायर भी तो हो सकता है, क्योंकि छुट्टू सा बहुत छोटा टायर है। मैं कहूंगा टायर में बिल्कुल नैनो की तरह ही है। और ये छोटे टायर की खैर ये एक डिमेरिट होती है कि वो उस तरह से आपको बम्पी रास्तों पे वो स्मूथनेस में वो एक झटके ज्यादा लगते हैं, तो वो एक वजह है। चार्जिंग जरा उस पर बात कर लीजिए भाई साहब। हमने जब शुरू शुरू में फोन लिए थे याद है, तो कितना टाइम रात भर लगाते थे। जी, बिल्कुल, अब ये तो लग रहा है उसी स्टेज में है, ये भैया 7-8 घंटे 9 घंटे इनको चार्ज करो तब ये रेडी होंगी। अच्छा, आजकल की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ऐसा नहीं है कि फास्ट चार्जिंग नहीं है, ये नहीं सपोर्ट कर रही है फास्ट चार्जिंग। मतलब चाहे तो आप कम टाइम में इसको चार्ज करके और मजे से 1-2 घंटे में चार्ज करके ऐसा फीचर डाला जा सकता है, लेकिन इतना कि हाँ आपके एक दिन का काम आराम से ये 1 घंटे के चार्ज में कर दे। हो सकता है आने वाले वक्त में ये चीजें दूर हो जाए, अभी शुरुआती दौर में है इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ, जैसे हमारे फोन अपडेट हुआ, अब तो हम 1/2 घंटे में भी फोन अपना चार्ज कर लेते हैं। लेकिन सवाल यही है कि 1/2 घंटे के बाद भी हम लोग फोन चार्ज नहीं करना भूल जाते, तो गाड़ी 7 घंटे चार्ज करना बड़ा चैलेंज है। ये है, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा है कहीं, और इसी वजह से एक दिक्कत आएगी जब आप किसी लॉन्ग टूर पे जाने की सोचेंगे ना, तो इसके साथ एक हिच एक डर महसूस होगा कि भैया ले जाएंगे तो चार्ज कहाँ करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सब चीज प्रियांशु वक्त के साथ ठीक होंगी। जितनी डिमांड है, जितना मांग होगी, उतनी इसमें फीचर्स बढ़ेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी, सप्लाई बढ़ेगी। बिल्कुल, तो ऐसे ऐसे जो है मुझे लग रहा है कि जगह जगह ऐसे स्पॉट आपको मिलेंगे कि आप चाय पीने गए तो गाड़ी भी चार्ज कर लीजिए भैया, है ना, 2 घंटे चार्ज कर लें, 2 घंटे में हो सकता है फुल चार्ज हो जाए। बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये आने वाले समय में होगा। हाँ, लेकिन ये चीज है जो आपने कहा कि बाहर जाने के लिए लोग परेशान होंगे, लेकिन अगर शहरों में अगर कोई एक सामान्य आदमी, जो मेरी तरह का सामान्य आदमी हो, जिसे एक गाड़ी चाहिए अपने लिए अलग से सिर्फ चलाने कुछ अपने रोजमर्रा के काम के लिए, तो वो उस गाड़ी के साथ जा सकता है। लेकिन वही बात, 5 लाख होता तो मजा आ जाता। प्रियांशु, गाड़ी तो छोटी है, मजा भी आया चलाने में, बिजली वाली भी है, लेकिन सेफ्टी फीचर
मायने रखता है, तो मजबूत है कि नहीं गाड़ी, ये देखना जरूरी होगा कि नहीं। मजबूत अभी पता कर लेते हैं कैसे। अरे अरे भैया ऐसे थोड़े पता चलेगा। ये देखिए मजबूती की बात है तो सेफ्टी फीचर्स होनी चाहिए, कोलिजन में किस स्थिति में कैसी है। देखिए बिल्ट क्वालिटी जितना हमने इसको देखा और पाया वो डब्बे टाइप नहीं है, मतलब जो भी चीज़ें हैं प्रियांशु सॉलिड लगे, मजबूत है। गाड़ी को अंदर से भी और बाहर से भी देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ एक जो फॉरेन बिल्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हम अक्सर वो मेंटेन किया करते वो मेंटेन, हाँ और एमजी और इसको मेंटेन करती भी है और थोड़ी प्रीमियम इस तरह क्लास में उसकी एक अपनी पहचान है। और शायद यही वजह है ना कि ये पैसे जो आप बोल रहे हैं कि होना चाहिए कितना, 5 लाख, वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन अरविंद भाई एक समस्या आएगी, क्या स्टेपनी तो है ही नहीं अगर पंचर हो गई तो। हाँ ये है, ये मैंने भी एक्चुअली पूछा था कि अगर ये समस्या आ रही है तो होगा, क्योंकि आपने पीछे देख ही लिया स्पेस से इतू सा है। और लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप छोटी गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा स्पेस आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि, तो फिर वो बड़ी में आ जाएगी, बड़ी वाले रेंज में। एक चीज़ है इसमें, ये किट है इस तरह का कि अगर पंचर हो गई तो उस किट के ज़रिए आप उसमें एक फ्लूड है आप डालेंगे टायर में, फिर वो पंचर अपने आप से फिल हो जाएगा, भर जाएगा, उसके बाद हवा भरी है आगे बढ़िए। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं भाई, इतना चलाया हमने इस गाड़ी को लेकिन जी भरा नहीं, एक राउंड और बनता है। चलिए हमने बेल्ट लगा लिया है जी, ऑटोमेटिक का मजा है, बस ब्रेक दबाइए, इसको डालिए ड्राइव मोड पे और एकदम आराम से एक्सेलरेट करते हुए जूम।